एलिफेंट का स्पेलिंग को एलिफेंट का स्पेलिंग एलिफेंट का तो बोल रहा है, बोल रही है, क्या दिक्कत है? एलिफेंट बता लो, भी जानता होगा आपका। मेरे गाड़ी का भी फोटो थोड़ा सा घुमा के पूरा ले लेते हैं। क्या हट हुई है? पूरा ठीक से मिल जाएगा ना? इसको इधर ऑरेंज का स्पेलिंग, ऑरेंज का O R I G। ऑरेंज मतलब होता क्या है? ऑरेंज बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, बोलिए, हिम्मत रखिए, हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा, हो जाएगा, बोलिए, प्रयास कीजिए। अरे छोड़िए, आप अपना नाम जी, आप अपना नाम। अंग्रेजी सर, मैं हिंदी में हूँ। को और न जी, पवन जी, पवन बाबू जी, को और न। हाँ अच्छा, और यहाँ क्या है आप? इस विद्यालय में क्या है आप? प्रार्थना विद्यालय। विद्यालय का नाम क्या है? प्रार्थना विद्यालय चायतला। चायतला कौन ब्लॉक में है? इन लोग क्या ब्लॉक है? जिला कौन? भागलपुर। प्रधानाध्यापक लिखिए तो। प्रधानाध्यापक लिख पाइएगा जी? लिखिए। ले कॉपी में प्रधानाध्यापक ले, इसका फोटो खींचिए। प्रधानाध्यापक लिखे हैं ये, दो से भागा प्रधानाध्यापक, फोटो कॉपी लीजिए। हाँ ले लीजिए, चलो ठीक हो गया। चलिए, स्पेलिंग कब सुधरेगा? सुधार देंगे सर, रंग पटाई करेंगे सर। रंग पटाई कीजिए तब कीजिएगा। लिखा कौन है? लिखा है दूसरे आदमी से। आप अपने नहीं देख रहे हैं? आकार छुटी गई सर, आकार छुटा है, आकार छुट गया है, खलियाए का छुटा है, छुटा है। ये बीच और कौन कौन बोली है जी? नहीं लो आई आदत ये आपका लड़की ओ ओ इसको अंतिम वाला लड़की छुट गई। क्या होगा सर? वीडियो बनाओ, क्या होगा सर? हां ऐसे होगा। आप एक कागज में कार्यालय लिखिए तो। इधर इधर आइए, लाइट जलाइए अंदर। 100 में 25 से भागा देंगे, कितना होगा? लो लो वीडियो बने, वीडियो बने। ठीक, वहाँ क्या गड़बड़ हो गया? तो सब दूसरे बच्चा लिखाया सोचा था इसलिए। अच्छा, 100 में 25 से भागा देंगे, कितना होगा? 100 में 25 से भागा देंगे, 25 होगा सर। 100 में लिखिए, 100 में 25 से भागा देंगे तो भागफल कितना होगा? वीडियो बनाओ। 100 में 25 से भागा दिए कितना उत्तर होगा? 100 में 25 से भागा दिए तो कितना बचा? 4। शेषफल कितना बचा? शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 100 में 2 से भागा देंगे तो? 100 में देंगे तो 200 फिर करेंगे सर। तब करिएगा तब निकल जाएगा ना? निकालने आता है? कागज में निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे सर। कितना होगा मुँह से बोलिए तो? 100 में 2 से भागा देंगे, 100 में 2 से भागा देंगे मुँह से, कलम से ना, मुँह से। पहले मुँह से बोलिए ना, इसको छोड़ दीजिए ना, मुँह से बोलिए ना, मुँह से। 100 में 2 से भागा दीजिए, 25 हो जाएगा। आप प्रिंसिपल साहब आप ही ना हैं? हाँ प्रिंसिपल आप ही हैं जी। क्या नाम हो? क्या है? 100 में 2 से भागा देंगे कितना होगा जल्दी बताइए? 50 में 2 से भागा दीजिए। सॉरी कम में कर देते हैं, 50 में 2 से भागा दीजिए ना। 100 में 2 से भागा पता नहीं चला, 50 में दीजिए। छोड़िए 50 से बता दीजिए, 50 में 2 से भागा देंगे कितना होगा? करते हैं तब करके निकल जाएगा, करके निकाल। 50 में 2 से भागा दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब, दीजिए दीजिए। आप बच्चा है, बनाने दीजिए, बनाने दीजिए। क्या कितना आगे सर? थोड़ा दिक्कत हो रहा है जी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जी। 50 में 2 से भागा देने में। अच्छा स्थिर से कल तक विद्यालय से एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रधानाचार्य और प्रखंड विकास पदाधिकारी में वार्ता का, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कई प्रश्न कर रहे हैं और प्रधानाचार्य कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, शिक्षा के गुणवत्ता में क्या हो रहा है? शिक्षा के गुणवत्ता में ह्रास उत्तरोत्तर हो रहा है, ऐसा तो देखा जाता है। कुछ प्राकृतिक प्रकोप के कारण विद्यालय स्थगित रहा, बंद रहा, जिसके कारण छात्रों के योग्यता में, छात्रों की क्षमता में ह्रास हुआ है। लेकिन शिक्षकों में यदि ह्रास हो जाए, ये तो पहले से पढ़े लिखे हुए हैं, सर्विस में, सेवा में आए हुए हैं, और हेडमास्टर जैसा कि हम हुआ है उसका कुछ अंश देखने को मिला। इससे पता चलता है कि हेडमास्टर असंतुलित अवस्था में है, वो अपना संतुलन खो बैठे हैं। जानते हुए भी, विषय वस्तु को जानते हुए भी वो गलत कर रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। 50 में सर 2 से भागा नहीं दे पा रहे हैं, जैसा कि उसमें देखा हमने कि 50 में 2 से भागा नहीं हो रहा है, 100 में 4 से भागा नहीं दिया जा रहा है, तो नहीं दे पा रहे हैं भागा। इसमें क्या समझा जाए? उनकी अयोग्यता समझी जाए कि घबराहट समझी जाए, हड़बड़ाहट समझी जाए? आगे क्या किया जाएगा सर? अब इसका विधिवत निरीक्षण करके इसको प्रतिवेदित करेंगे, उसको उजागर करेंगे, उसको सामने लाएंगे कि आखिर क्या बात, ऐसा क्यों हो रहा है। कार्यालय को कार्यालय लिखा हुआ है कई महीनों से, उस पर भी ध्यान आकृष्ट नहीं था प्रधानाध्यापक का। जैसा कि सुनने में आया है कि कार्यालय कक्ष लिखा हुआ नहीं है, कार्यालय को कार्याल क्या लिखा हुआ है, कार्यालय लिखा हुआ है, और महीनों से लिखा गया है। लेकिन उस पर अभी प्रधानाचार्य या वहाँ के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका ध्यान नहीं गया है। इसकी भी समीक्षा की जाएगी, इसकी भी जांच की जाएगी।